अभी सब लंच टाइम है, हम कोर्ट से थोड़ा फारिग होके आ गए हैं चैम्बर में। आज मैं उस मुद्दे पे जानकारी देना चाहूँगा जो आजकल बहुत चर्चा में है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जो गैंगस्टर्स हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, अपराधी हैं, उनके प्रॉपर्टी कैसे अटैच होती है और किस तरह से छोड़ जा सकती है। हर चीज कानून से होती है। अभी कहा गया है कि स्वागत करते हैं ऐसे बयानों पे हम कि अपराधी के 7 पीढ़ियों की संपत्ति जो है हम जब्त कर लेंगे, लेकिन ये बयान राजनीतिक होते हैं और हर राजनीतिक दल नेता हर नागरिक बाध्य है कानूनों से, देश कानूनों से। और जो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर जो कानून प्रचलित है जिसके अंतर्गत किसी गिरोहबंद अधिकारी गिरोहबंद अभियुक्त की संपत्ति जो एंटी सोशल एक्टिविटीज कर रहा हो, समाज विरोधी गतिविधियों हो, और वैसे अपराध कर रहा हो जो यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1986 में वर्णित है, अगर उन अपराधों की वो में शामिल है या उस उन अपराधों के द्वारा उससे संपत्ति अर्जित की है, तो सिर्फ वही संपत्ति सरकार जो है अटैच कर सकती है, कुलक कर सकती है और उसको कब्जे में कर सकती है। लेकिन सरकार के हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मामला भी न्यायालय में जाता है और फाइनली न्यायालय तय करते हैं। सबसे पहले तो मैं आता हूँ गैंगस्टर एक्ट की धारा 4 में, उसमें स्पष्ट लिखा गया है 4B में कि अगर किसी के पास कोई चल या अचल संपत्ति है जिसका ये प्रतीत होता हो कि उसने ये संपत्ति अर्जित की है किसी गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत वर्णित अपराधों से अर्जित की है, या जिसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, ये साबित नहीं कर पा रहा कि उसने गिरोहबंद क्रियाकलापों से वह संपत्ति अर्जित नहीं की है, तो ये सबूत उसके खिलाफ माना जाएगा, ये साक्ष्य उसके खिलाफ माना जाएगा। और दूसरा जो जब्त करने की प्रक्रिया है वो धारा 14 यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज एक्ट में वर्णित है। धारा 14 के अनुसार किसी जिलाधीश को अगर ये पता चलता है कि किसी आदमी ने कोई या किसी आदमी के बिहाव पे उसके तरफ से किसी अन्य व्यक्ति ने कोई चल या अचल संपत्ति गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत जो वर्णित अपराध हैं जो श्रेणी में आते हैं उनके द्वारा अर्जित की है, तो उस संपत्ति को वो कुर्क कर सकता है, अटैच कर सकता है किसी अधिकारी की रिपोर्ट पे या अपने आप भी। उसको लिखना पड़ेगा, जिलाधीश को लिखना पड़ेगा कि उसको क्या संदेह है, क्या शक है, क्या वजह है, क्यों उसको कुर्क करना चाहता है। वो कुर्क करके उस पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर से कह सकता है कि आप इसका संचालन इस संपत्ति का इस तरह से करें, और संचालन के लिए वो पुलिस की मदद भी देने का आदेश कर सकता है। ये धारा 14 में वर्णित है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर आपने कुर्क कर दी, एडमिनिस्ट्रेटर ने चाहा तो अवॉइड कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप नोटिस देंगे उन वजहों का जिस वजह से आपने उस जानकारी का जिस वजह से आपने संपत्ति में कुर्क किया, और उसके नोटिस के 3 माह के अंदर या अटैचमेंट के 3 माह के अंदर किसी को क्लेमेंट है, किसी को आपत्ति है, तो ये उनके यहाँ लिखित में देगा कि जो संपत्ति है ये गिरोहबंद अधिनियम में वर्णित गतिविधियों से या समाज विरोधी गतिविधियां जो वर्णित है गैंगस्टर एक्ट में उससे उनने अर्जित नहीं की है, और उसको अपने सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी, तो उसको जिलाधीश मोहते जो है वो संपत्ति वापस कर सकते हैं। अगर वो इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि ये यूपी गैंगस्टर एक्ट में वर्णित अपराधों से अर्जित नहीं की गई है। अब एक बात और है कि इसमें डीएम साहब के अलावा भी कोई आम आदमी भी
एक एप्लीकेशन दे सकते हैं डीएम साहब को, ये बताते हुए कि फलां के पास जो चल या अचल संपत्ति है उसने जो जिस तरह से कमाई है वो गिरोबंद अधिनियम और समाजवादी क्रियाकलापों से कमाई है, उसमें भी डीएम साहब जो है नोटिस देंगे और उसके प्रार्थना पत्र के आधार पे या तो उसके प्रार्थना पत्र को निरस्त कर देंगे और या फिर वो जो है उसको कुड़ कर लेंगे जैसे अपने आप करते हैं। अब अगला स्टेप आता है, 3 महीने के बाद डीएम साहब का आदेश फाइनल होता है, 3 महीने के बाद उसकी जुडिशियल रिक्रूटनिंग होती है और स्पेशल कोर्ट जो बनाए गए यूपी के अंतर्गत उसमें उनको अपनी आख्या भेजनी पड़ती है, लिख करके भेजना पड़ता है कि उन्होंने किस वजह से संपत्ति कुड़ की है, उनके पास क्या साक्ष्य है कि वो संपत्ति चल या अचल उस व्यक्ति के द्वारा या किसी और को रखवाई है उसमें उन अपराधों से अर्जित की गई है जो यूपी के स्टेट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। फिर जो अदालत होती है, अच्छा दूसरी बात, अगर किसी आम व्यक्ति ने एक डीएम साहब को रिपोर्ट भेजी या पुलिस अधिकारी भेजी किसी संपत्ति कुर्क कर लिया 14 में और डीएम साहब उसमें कुर्क नहीं करते तो वो भी न्यायालय में आकर के उसके खिलाफ रेफरेंस दाखिल करेगा कि आप न्यायालय से कहेगा कि इसकी संपत्ति जो है वो गेस्ट एक्ट से कमाई गई है, इसको कुर्क किया गया। अब जो माननीय न्यायालय है उसमें इंक्वायरी करेंगे, उस इंक्वायरी में वो कोई पब्लिक रिकॉर्ड कोई डॉक्यूमेंट किसी गवाह को किसी भी अधिकारी को कोई भी कागज मंगाने में सक्षम है न्यायालय में उन सब की जांच की जाएगी, अभिलेख देखे जाएंगे और उसके बाद माननीय न्यायालय अगर संतुष्ट हो जाती है कि उस आदमी ने ये संपत्ति किसी गिरोबंद अधिनियम के अंतर्गत वर्णित अपराधों से नहीं कमाई है तो उसको उसके पक्ष में रिलीज कर देंगे और अगर ये साबित हो जाता है कि उसने वो गिरोबंद अधिनियम से कमाई की है अर्जित की संपत्ति तो उसके लिए वो उसको कॉन्फिस्केट करने का जब्त करने का कुड़प करने का बेचने का ये किस तरह से डिस्पोजल हो या किस आदमी को दी जाए, अगर किसी से अपराध से छीनी गई है तो उसको वापस अदर्ज कर सकती है। ये विधि है खाली एक जो कानून में वर्णित है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बता रहे हैं, ये किसी तरह से ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी के कहने पर या प्रशासनिक तौर पर किसी व्यक्ति की संपत्ति को दी जाए, साबित करना पड़ेगा आपको न्यायालय में कि गेस्ट एक्ट के अंतर्गत ये समान जो आपने प्रक्रिया अपनाई है और उस व्यक्ति ने किसी ऐसे अपराध से ये संपत्ति अर्जित की है जो गेस्ट एक्ट में आता है। गेस्ट एक्ट में क्या क्या अपराध आते हैं, बेसिकली जब 1986 में ये कानून आया था उस समय उद्देश्य ये था कि जो लोग ठेके छुड़ाने में कोई ठेका का टेंडर भरने जाता है बालू का रेत का खनन का शराब का तो गुंडे बदमाश आके वहाँ धमकी देते थे, उन्हें डरा धमका करके ठेके ले लेते थे या लोग जमीन कब्जा लेते थे लोगों की, तो विशेष तौर पे ये उनके लिए था जो इस तरह के आर्थिक अपराध कर रहे थे। लेकिन इसमें और भी केसेस वर्णित थे, उसमें ये था कि कोई अपने राजनीतिक लाभ के लिए आर्थिक लाभ के लिए या दबदबा लाने के लिए कोई अपराध कर रहा है सामूहिक रूप से अपराध कर रहा है तब उसमें लगता था गैंगस्टर एक्ट, और उसमें जैसे दफा 13 के हमले अगर हम कहीं पब्लिक प्लेस पर जुआ खेलें तो वो उसमें नहीं आता, लेकिन अगर हम कहीं नाल ले रहे हैं तो जो नाल काट रहा है जो पैसे लेकर जुआ खिला रहा है वो अपराध जो था वो गैंगस्टर एक्ट में आता था, लूट डकैती गिरोबंद मर्डर 23-24 का ही जो चैप्टर्स हैं फिरौती रंगदारी ये सब भी उसने डिफाइन कर रखे हैं गैंगस्टर एक्ट में, परिभाषित कर रखे हैं धारा 2 में कि ये अपराध उसमें आते हैं। साथ में उसमें जो इन्वॉल्वमेंट ट्रैफिक एक्ट का था जो अपराध इन्वॉल्वमेंट ट्रैफिक करते थे वो भी शामिल है, जो जो ये पेशा लड़कियों से करवा रखने को मजबूर कर रहा है वो उसमें अपराध। इसमें दफा 25 जो थी वो एग्जम्प्टेड थे, वो इसके अंदर नहीं आती थी, कई अपराध ऐसे हैं जो इसमें नहीं आते जो वर्णित हैं काली जैसे अपहरण है फिरौती है वगैरह वगैरह, उन उस तरीके से आपने जमीन या जमीन कब्जा करके या आपने टेंडर जबरदस्ती टेंडर
लोगों को धमका करके, डरा करके, अधिकारियों को डरा के धमका करके, उनको हत्या का प्रयास करके, उनकी हत्या करके आपने टेंडर कब्जाए हैं, उससे आपने अगर संपत्ति अर्जित की, अगर आप लॉफुली भी अर्जित की है, आपने किसी टेंडर से किसी सड़क बनाने में, किसी शराब के ठेके में कमाई की है, लेकिन वो टेंडर प्राप्त करने का तरीका अगर आपराधिकता, तब भी वो संपत्ति जब्त की जा सकती है। तो ये तो था गैंगस्टर एक्ट में, जैसे जो जैसे बयान आ रहे हैं कि राजपुरी की संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, या ऊपर है या नीचे है, अपराधी की जगह जेल में है या ऊपर है, तो उसमें भी हम लोगों का कहना ये कि हर चीज़ का अंदर चली जाती है। अगर कोई आदमी, हत्या अलग होती है और आत्मरक्षा अलग होती है, पुलिस तभी गोली चला सकती है किसी व्यक्ति ऊपर जब उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस को अपनी जान का खतरा हो। जैसे आम आदमी को धारा 96 से 100 तक वर्णित है IPC में, परिभाषित है सारा का सारा, जैसा एक आम आदमी को सुरक्षा अधिकार है, वही अधिकार पुलिस को है, उससे ज्यादा या कम पुलिस को अधिकार नहीं है। जब तक उनको अपनी मौत का इमिनेंट खतरा नहीं है, तब तक वो लोग गोली नहीं चला सकते। आप उतना ही बल प्रयोग कर सकते हैं जो उचित है। कोई अगर अपराधी भाग रहा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कत्ल कर दिया, अगर उसके बाद भाग रहा है, पीठ दिखा चला जा रहा है या उसे हथियार फेंक दिए हैं, तो उसको आप नहीं मार सकते, उसको सजा देगी कानून। खाली आप तब किसी को ऊपर वार कर सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं, जैसे आप एनकाउंटर कहते हैं, तभी कर सकते हैं जब आपको अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, जान की सुरक्षा के लिए इमिनेंट खतरा ना हो। जब वो खतरा दूर हो गया, उसके बाद आप अपने आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग नहीं कर सकते। यही बात आम आदमी के लिए, यही जो बात है परिवारों के लिए। धन्यवाद। अगली बार मैं आपसे बताऊंगा। थैंक यू।